नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 30 जून के करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन करेंगे। माफ करना दोस्तों, कल मेरा लैपटॉप जो है मेरे वर्क प्लेस पे ही रह गया था, जिसकी वजह से कल यह वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज यह वीडियो 1 तारीख को अपलोड हो रही है। ठीक है, देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य कर विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी ऑनलाइन होगी और एनालिटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आंकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा। व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने में भी यह पोर्टल कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ई समीक्षा पोर्टल जीएसटी विभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की कितनी जीएसटी की राशि हस्तांतरित की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की जीएसटी राशि का 4761.30 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जीएसटी की मिली राशि का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय सिंह को चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1983 बैच के सेनावृत्त आईएएस अफसर अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह पद रिक्त था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पंडरिया निवासी अजय सिंह मध्य प्रदेश के समय हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2017 में रमन सरकार के दौरान अजय सिंह को उप मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में भूपेश सरकार ने उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो अजय सिंह है ना, ये ठाकुर राम सिंह के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले सातवें क्रम के सांसद कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तोखन साहू बने हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू 9 जून 2024 रविवार को केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बिलासपुर सांसद तोखन साहू भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू सातवें क्रम के सांसद हैं। वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू सांसद बनने के बाद पहली बार लोकसभा में कदम रखेंगे। तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा तोखन साहू जो है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव 29 जनवरी 2003 से 17 नवंबर 2003 तक पर्यावरण राज्य मंत्री थे। रमन सिंह 13 अक्टूबर 1999 से 29 जनवरी 2003 तक वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री थे और साथ ही साथ रमेश बैस 13 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2000 तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक है। ठीक है, हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया गया। इस किताब के प्रकाशक वेस्टलैंड बुक्स हैं। इन कविताओं का अनुवाद प्रसिद्ध कवि संपादक अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने किया है। इस कविता संग्रह को ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक नाम दिया गया है। इस किताब में उनकी पुरानी कविताओं
से लेकर हालिया रचनाओं तक को शामिल किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उनकी उपलब्धि के लिए पेन नाबोक को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में दीवार में खिड़की रहती थी कृति के लिए साहित्य अकादमी भी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में जल जागर अभियान की शुरुआत की जा रही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमतरी जिले में जल जागर अभियान की शुरुआत की जा रही है। जल जागर अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में की जा रही है। 21 मई से लेकर 7 जून के बीच धमतरी जिले के 20 गांवों में यह अभियान शुरू होगा। जल जागर अभियान के अंतर्गत इन गांवों में जल संरक्षण और संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जशपुर जिले में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तुमाला क्षेत्र में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। इनमें क्रोमाइट, पाइरो, इल्मेनाइट व अन्य शामिल हैं जो उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं। 25 वर्ग किलोमीटर में हीरे के मिलने की पुष्टि यहाँ मिले संकेतक खनिजों से हुई है। भौमिकी एवं खनिज कर्म संचालक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी के सर्वे में हीरे का यह ब्लॉक खोजा गया है और जल्द ही राज्य भौमिकी एवं खनिज कर्म विभाग हीरा खनन के लिए ई ऑप्शन जारी करेगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में गरियाबंद जिले के विकास खंड मैनपुर के बिहारडी और पायली खंड में हीरा पाया जाता है। पायली खंड में पाए जाने वाले हीरे की गुणवत्ता विश्व स्तरीय है। यहाँ की हीरा खदान देश की सबसे बड़ी हीरा खदानों में से एक है। गरियाबंद के अलावा महासमुंद, जांजगीर चांपा के अलग अलग जगहों पर हीरा के भंडार की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभ्यारण बनाए जाएंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही उत्तर है सभी संभागों में एक एक अभ्यारण बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक एक गौ अभ्यारण बनाए जाएंगे। दूध और दूध उत्पादों की बिक्री एवं दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामीहीन गौवंश की सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न है, मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना का विस्तार करते हुए कितने जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 13 जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। दोस्तों इसी प्रश्नों को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, जो सारे प्रश्न आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी इससे संबंधित सिर्फ मैंने एक ही प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ और ज्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना है या अलग अलग तरीके से कैसे इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उनके कार्य स्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह केंद्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे। मॉडल श्रम अन्न केंद्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने जिलों में श्रम अन्न केंद्र संचालित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 जिलों में 24 जगहों पर वर्तमान में श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत क्यों की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेयजल आपूर्ति हेतु मल्टी विलेज योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में भूजल समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए मल्टी विलेज योजना शुरू की गई है। जल जीवन मिशन के जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिलों में 4527 करोड़ रुपए की लागत से 71 मल्टी विलेज योजना का काम शुरू हो चुका है।
इन योजनाओं के जरिए 3,234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। इन गांवों के 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। जल संग्रहण के लिए इंटकवेल एवं जल शुद्धिकरण के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नियत नेल्लार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जिलों में नियत नेल्लार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर माओवाद से प्रभावित इलाकों के नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियत नेल्लार योजना को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिले क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियत नेल्लार योजना का क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें से इन जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 33 सुरक्षा कैंपों के आसपास 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में, मतलब इन पांचों जिले में स्थापित सुरक्षा कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में ग्रामीणों को राज्य और केंद्र शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, नियत नेल्लार योजना से तात्पर्य जो है आपका आदर्श ग्राम है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियत नेल्लार योजना से तात्पर्य क्या है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आपका आदर्श ग्राम जो है इसका तात्पर्य है। ठीक है, 5 जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर, ये पांचों जिले के नाम जो है जो नियत नेल्लार योजना जहां क्रियान्वित की जा रही है, पांचों जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला नियत नेल्लार योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 6-लेन सुरंग निम्न में से कहां बनाई जा रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर में बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी 6-लेन सुरंग भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत बनाई जा रही है। यह सुरंग बस्तर संभाग केशकाल घाटी के वन क्षेत्र के पहाड़ियों को काटकर बनाई जाएगी। यह सुरंग केशकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है और यह जो 6-लेन सुरंग है यह सीता नदी उद्यंती अभ्यारण्य से गुजरेगा। इस ट्विन टनल में 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, केशकाल घाटी वन क्षेत्र की पहाड़ियों को काटकर बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है? बस्तर संभाग में बनाई जा रही है। ठीक है, कहां से किस बीच बन रही है? गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रायपुर राइनोस जो है विजेता बनी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग या CCPL का फाइनल मैच देख रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में जिसमें रायपुर राइनोस की टीम चैंपियन बनी है। इस लीग का आयोजन नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। IPL के तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत 7 जून 2024 से 16 जून 2024 तक हुई है। इसके लिए सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया है और 18 मैच इसमें खेले गए हैं। इस लीग में छत्तीसगढ़ के 6 बड़े शहरों के नाम से टीमों को बनाया जाएगा। वन क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पशुओं के नाम से भी टीम के नाम जोड़ा जाएगा। 6 टीम शामिल है जिनके नाम थे बस्तर बाइसन, बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर और सरगुजा टाइगर्स। ठीक है दोस्तों, ये एडिशनल जानकारी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, तो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जो है ना छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीता है। राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सम्मानित किया है। असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तपेसिया गुवाहाटी में 25 मई 2024 से 30 मई 2024 तक मुथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। मुथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए
शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वित्तीय शिक्षा पुस्तिका का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में वित्तीय जागरूकता के लिए काम कर रहे एनजीओ समर्पित की वित्तीय शिक्षिका पुस्तिका का विमोचन किया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि जो एनजीओ है छत्तीसगढ़ में जो काम कर रही है वित्तीय जागरूकता के लिए, उसका नाम है समर्पित, ठीक है। इसकी एक पुस्तिका है जिसका नाम वित्तीय शिक्षा पुस्तिका है, इसका विमोचन जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में ब्लू मॉर्मन नामक तितली निम्न में से कहां पाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोरमदेव अभयारण्य में पाई गई है। भोरमदेव अभयारण्य में ब्लू मॉर्मन नामक तितली पाई गई है जो भारत में दूसरे नंबर की आकार में सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य 352 वर्ग किलोमीटर में फैले भोरमदेव वन्य प्राणी अभयारण्य में तितलियों की विभिन्न दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों का बसेरा है। वन विभाग के अफसरों ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर में रिकॉर्डेड एंगल पैरोट और ओरिएंटल चेस्टनट एंगल तितलियां भी भोरमदेव अभयारण्य में देखी गई है। और ध्यान रखिए दोस्तों, भोरमदेव अभयारण्य में जो है ना लगभग 90 से अधिक प्रजाति की तितलियों को देखा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कितने सीट पर जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10 सीटों पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बस्तर के विधायक क्वासी लखमा हार गए हैं। वहीं राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हार गए हैं। कोरबा एकमात्र सीट है जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहां से सांसद ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को 43,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सबसे बड़ी जीत भाजपा को रायपुर में मिली है। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,00,000 वोटों से हराया है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में संपन्न हुआ है। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव के लिए 82 दिनों से लागू आचार संहिता 6 जून को समाप्त हो गई है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंगेली को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना अंतर्गत मुंगेली जिले में 38 किलोमीटर रेल लाइन गुजरेगी। मुख्यमंत्री मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया, वहां उन्होंने यह सारी घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कितनी बार विधायक चुनाव जीत चुके हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 बार विधायक चुनाव जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और वे मंत्री बने रहेंगे। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने सांसद का एक चुनाव लड़ाया और उन्होंने जीत दर्ज की है। नियमों के तहत वो एक ही पद पर रह सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है और वो मंत्री पद पर बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 9 आवासीय विद्यालय संचालित है। प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में महाप्रबंधक का पदभार निम्न में से किसने ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री युगल किशोर ने ग्रहण किया है। सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में श्री
युगल किशोर ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री युगल किशोर को प्रतिनियुक्ति पर अपेक्स बैंक में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले में विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बस्तर जिले में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है और हाल ही में 22 जून 2024 को चंदन यात्रा कार्यक्रम के साथ महापर्व शुरू हुआ जो 27 दिनों तक मनाया जाएगा। 617 साल से मनाया जा रहे इस पर्व में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान किया गया और देव विग्रहों को चंदन से स्नान कराया गया। इस पर्व के अंतर्गत 27 दिनों तक विभिन्न धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस आयोग को बंद किया जा रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्य नवाचार आयोग को बंद किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। 3 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे ना वो विवेक ढांड बनाए गए थे। वर्तमान में इस आयोग को बंद करके सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया जाएगा। वित्त आयोग की अनुमति मिलने के बाद राज्य नवाचार आयोग को बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से इस प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग को निम्न में से किस विभाग में शामिल किया जाएगा? ठीक है, आपको अलग अलग चार विभागों के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें ध्यान रखिएगा सुशासन एवं अभिकरण विभाग में शामिल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर ममता चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। दुर्ग संभाग आयुक्त आईएएस सत्य नारायण राठौर को अस्थायी रूप से प्रभारी कुलपति बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के रूप में चर्चित पद्मश्री ममता चंद्राकर का खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कुलपति रही है। उनका कार्यकाल जो है ना विवादों से घिरा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में सत्यनारायण राठौर जो है दुर्ग संभाग के उन्हें अस्थायी रूप से प्रभारी कुलपति बनाया गया है। ठीक है, आज के इस रिवीजन वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।